दादा ये बताएंगे, राजनीति में आपने कदम रखा, क्या सोच कर रखा आपने? देखिए, राजनीति में कदम जो रखा गया हमारे माध्यम से, एक्सीडेंटली ये हुआ। 2-2.5 साल पहले एक मूवमेंट हुआ था भाषा को परीक्षा में शामिल करने को लेकर, और झारखंड और खासकर धनबाद बोकारो जिले के जो छात्र हैं उन्होंने असहमति दर्ज कराई कि भाई ये भाषा हमारे क्षेत्र की नहीं है। उड़ीसा में हमारे राज्य की भाषाओं को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में उड़िया भाषा को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा राज्य चारागाह क्यों बनेगा? आज 23 साल हो गए हमारे राज्य के निर्माण को, लेकिन आज भी हमारे लोग पलायन करते हैं, हमारे लोग शोषण दमन का शिकार होते हैं, जो गैर राज्यों के लोग आए हैं चलकर उनका दबदबा आज भी कायम है। तो इसलिए का विरोध का स्वर गूंजा कि हमें भाषा से कोई शिकायत नहीं है, भाषा का अपना सीमा नहीं, वो कहीं कोई गाय लिखे, लेकिन सवाल है कि उसे हम कानूनी मान्यता अपने ज़िले में नहीं देंगे। तो उसको लेकर एक आंदोलन हुआ, एक मूवमेंट हुआ, और मैं मीडिया के सामने आया। जब मीडिया के सामने मैंने संबोधन रखा तो हमारी बातों में झारखंड की अब तक की दुर्दशा की, चीख पीड़ाओं की तस्वीर सामने नज़र आई, तो लोगों ने सभाओं के माध्यम से मुझे निमंत्रण करने लगे, मैं यहाँ वहाँ जाने लगा, भ्रमण करने लगा। और बीते 2-2.5 साल के बाद एक मैसेज आया कि नहीं, आप जैसे नौजवानों को अब राजनीति में आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति पॉलिटिक्स किया जाए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाया जाए, और हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बाकायदा ये भी निर्णय लिया कि हम लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। आपने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट में, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी तक जो माहौल बना है, हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव तो जीत हार होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट होके आप बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, हमारा कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बस लोगों की भावना है कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उस लड़के को सपोर्ट करना है, कि वो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, वो झारखंड में फ्री और फेयर एग्जाम की बात करता है, वो किसानों की ज़मीन की बात करता है, वो मजदूरों के वेतन वृद्धि की बात करता है, और वो हमेशा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये एक मैसेज गया, कहीं बूथ मैनेजमेंट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कागज़ और कलम के अलावा कहीं हम लोग बूथ मैनेजमेंट कुछ नहीं, हम लोग का बस एक आइडियोलॉजी है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और गांव-गांव सभाओं के माध्यम से हम लोग का बात जनता तक गया है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग कहना क्या चाहते हैं, बाकी कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद भी आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, उन वे लोग सत्ते में हैं, वे लोग समय समय से हैं झारखंड की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में है। और गिरिडीह लोकसभा चुनाव तो फतह करेंगे ही, जो विधानसभा के चुनाव 6 महीना के बाद हैं उनमें कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावशाली दिखेंगे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला आपका क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, अगर चुनाव जीत के हम लोग जाते हैं तो मैंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड को अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, झारखंड को अगर समझने का प्रयास करेंगे, चाहे आप तिलका मांझी को समझें, रघुनाथ महतो को समझें, बिरसा मुंडा को समझें, या तमाम जो भी अंग्रेज़ों के कालखंड में जितने भी झारखंड के आंदोलनकारी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, तो उनका एक ही मकसद था, झारखंड की ज़मीन को बचाया जाए, इस सोने झारखंड के जो भूभाग हैं उस भूभाग के टुकड़े को बचाया जाए। तो हम लोग सबसे पहला बात रखेंगे कि भाई आज जिस प्रकार से कॉरपोरेट जगत झारखंड में हावी है, जिस प्रकार अमानवीय तरीके से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है कंपनी के माध्यम से, तमाम उद्योग के माध्यम से, उनको सिस्टमेटिक किया जाए, लीज़ की जो प्रक्रिया उसको सिस्टमेटिक रखा जाए। आपको हम बताना चाहेंगे, बैरमा में 999 साल का लीज़ है, ये कोई भी सुनेगा तो मैंने हंसेगा कि 999 साल का लीज़ कैसे, ये असंवैधानिक विधि झारखंड में चलती है। तो इसलिए जब हम लोग सदन में जाएंगे तो अपने पीड़ा से परिचित करवाएंगे, आज किस प्रकार बहुत ही सातिर तरीके से हमारे जो जीएम लैंड है, जीएम यानी जो रैयत का लैंड होता है, आज उसको सरकार अपने लैंड बैंक में तब्दील कर रही है, और उनको पर्चा एमओ का पर्चा काट रही है कंपनियों के लिए। तो आज आप हमारे साथ खड़े हैं तो एक सुंदर झारखंड दिख ही रहा है, लेकिन आज अगर हमारा विषय अगर सदन में स्थान नहीं मिला तो हमें लगता है 20 साल बाद अगर इसी झारखंड को अब इंटरव्यू करने के लिए आएंगे तो शायद झारखंड उजड़ चुका होगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि सबसे पहले झारखंड के भूभाग को, झाड़ और खंड को बचाया जाए, जो झारखंड का मतलब है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी भूभाग, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहले संसद में आवाज़ उठेगी, और उसके लिए हम लोग एक विधेयक, एक कानून बनाने की मांग करेंगे। अभी तक आपने कितनी सभाएं और कितने रोड शो अभी तक आपने किए? देखिए, अगर 2.5 साल से हम लोग इतना मग्न हो चुके हैं झारखंड राज्य की राजनीति में, आंदोलन में, कि अनुमान नहीं, लेकिन अनुमानित तो लगभग 2000 के आसपास जनसभा मैंने किया, और केवल गिरिडीह लोकसभा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 450 सभा को मैंने किया है। तो 2000 सभाएं 2 साल में असंभव था, लेकिन कुछ तो कुदरती ताकत है हमारे पास, जो लगातार हम लोग इस राज्य का भ्रमण करते हैं, लगातार
400-500 किलोमीटर का दौरा करते हैं और लोगों तक अपने मैसेज, अपने विचारों को पहुंचाने का कार्य करते हैं।